पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट एक नहीं, दो नहीं, तीन बार लड़ी और क्या जबरदस्त अंदाज में जीती। दुश्मन भी उनके फैन बन गए। फिर अचानक जब खबर बड़े वजन की वजह से उनकी डिस्क्वालीफाई होने की आई तो हर कोई स्तब्ध रह गया। हर कोई जानता था कि ये स्पोर्ट है, या हार जीत के अलावा इस तरह के नियमों की वजह से एक दिन खिलाफ फैसलों से खिलाड़ियों का सपना टूट जाता है। विनेश की निराशा का अंदाज लगा पाना मुश्किल था। हालांकि विनेश को टूटकर बिगड़ता देख किसी को भी पचे पाने वाली बात नहीं थी। उनकी छवि योद्धा की है, वो योद्धा जिसके आगे बृजभूषण शरण सिंह जैसे राजनीति के घाघ भी नहीं टिके। लेकिन वो रिटायरमेंट का ऐलान करके जो आत्मघाती दांव विनेश ने खेला, इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्हें भावनाओं में बहने की बजाय खुद को थोड़ा वक्त देना चाहिए था। उनसे कमबैक की उम्मीद थी और वो कर भी सकती थी। श्रेणी के वजन को कम करने के लिए पहलवान सोना बांध लेने के लिए साथ ही व्यायाम का सहारा लेते हैं, लेकिन वजन कम होने के कारण ऊर्जा की कमी या कमजोरी जैसी दिक्कतें आ सकती हैं, जिससे परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसे कम करने के लिए पहलवान समिति पानी पीने के अलावा हाई एनर्जी वाली चीजें खाते हैं, जिससे फिर ऊर्जा हासिल हो पाए। लेकिन ये सब आमतौर पर वजन को माप होने के बाद किया जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट से विनेश फोगाट को रोजाना 1.5 किलोग्राम पोषण का सेवन करने की सलाह दी गई थी, जिससे प्रतियोगिता के बाद वजन बढ़ने का जोखिम था। विनेश शीर्ष वीरमान प्राप्त यूजी सुजुकी, ओकासाना, लिवास और यूसनेलिज गुस्मैन को पहले के 3 मुकाबलों में शिकस्त दे चुकी थी। इसके बाद से उनका वजन असामान्य हो गया। पानी की कमी महसूस ना हो, उनको थोड़ा थोड़ा पानी मुकाबले से पहले दिया गया। वजन घटाने के लिए दूसरे तरीके भी आजमाए गए। इन सब प्रयासों के बाद फाइनल की सुबह उनका वेट 100 ग्राम अधिक निकला। बाल कटने, नाखून काटने और कपड़े छोटे किए गए, लेकिन वेट कम नहीं हो सका। भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और मुकाबले से बाहर हो गई। मुकाबले से बाहर होने के बाद विनेश को स्थानीय ओलंपिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां ब्लड टेस्ट के अलावा कई सैंपल लिए गए, जिसमें उनकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। आपको बता दें कि ओलंपिक में जब महिलाओं की 50 किलोग्राम रेसलिंग का ड्रॉ आया तो पूरा भारत निराश हो गया और निराशा में डूब गया। वजह थी मेडल की दावेदारों में शामिल विनेश फोगाट के सामने ओलंपिक चैंपियन और विश्व विजेता जापान की यूई सुजुकी पहले ही राउंड में थी। भारतीय स्पोर्ट्स फैन अभी तक विनेश के डिस्क्वालीफाई वाले सदमे से उबर नहीं पाए थे कि रेसलर ने एक और चौंकाने वाला दांव चल दिया। 29 साल के विनेश फोगाट ने कुश्ती से ही संन्यास ले लिया। डिस्क्वालीफाई होने के 18 घंटे के अंदर ही विनेश ने संन्यास का ऐलान किया। भारतीय समयानुसार सुबह 5:17 पर संन्यास का ट्वीट किया। उस समय पेरिस में रात के 1:47 का समय था। विनेश ने ऐसा दांव चला कि अब सब कुछ खत्म हो गया। उनके संन्यास के साथ ही मेडल की उम्मीद भी नहीं रही। विनेश के इस दांव के बाद अब कोई विकल्प नहीं रहा। वो एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम चैंपियंस रह चुकी हैं, ओलंपिक चैंपियन बनने ही वाली थी और इस खबर ने उन्हें भी दुखी कर दिया, जो आंदोलन के दौरान विनेश के खिलाफ खड़े थे। आज वो भी देश की बेटी के लिए दुख में डूबे हैं और आखिरी में गिरते हैं शहसवार में मैदान जंग। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। विनेश तुम वापसी कर सकती हो, ये भावनाओं के लिए फैसला लिया गया है। अपने इस फैसले पर जरूर विचार करें। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।